हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस कोचिंग पे। मैं और राहुल सिंह, और आज हम एक और न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं अपनी न्यू वैकेंसी की, जो ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से निकली है। पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसी निकली है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या इसका आपके एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, किस फील्ड से आपके ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, एज लिमिट क्या है, और एज का रिलैक्सेशन तो आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट रूल का है, एक ही है, तो वो तो आपके गवर्नमेंट रूल का एक ही फॉलो होगा एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि आपको अपने फॉर्म को फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है। तो देख लेते हैं हम इसका फुल ऑफ नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने जितने भी गवर्नमेंट के लेटेस्ट एग्जाम होते हैं इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ निकली है। तो ये अलग अलग स्टेट में निकली हुई है दोस्तों, ये गुजरात में, राजस्थान, तो किसी स्टेट से निकली हुई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटेंट, फाइनेंस की। तो ये नंबर ऑफ सीट्स है और इसमें कैटेगरी वाइज आपकी सीट दी गई है। ये तो वेस्टर्न रीजन हो गया, ये नॉर्दर्न रीजन आपका, जिसमें स्टेट में आपका हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, जिससे भी आप सुटेबल हो फिल करना चाहें आप उससे अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और यूपी, और साउदर्न ईस्टर्न में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, साउथर्न रीजन पाइपलाइन, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ग्रैंड टोटल जो बैठता है आपकी टोटल वैकेंसी, जो वैकेंसी है 390 आपकी वैकेंसी है, और ये अनरिजर्व एक कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी की डिटेल है। तो इसमें जब हम बात कर लेते हैं आपके कितने इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आपकी टेक्निकल से आपके अप्रेंटिस होनी चाहिए मैकेनिकल, जिसमें हम बता देते हैं क्वालिफिकेशन में क्या है। 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें दोस्तों, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आपकी ITI होनी चाहिए 2 साल की, और 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस होना चाहिए रिलेटेड टू दी फील्ड, इस फील्ड से आपके अप्रेंटिस होनी चाहिए। और इसमें ऐसे ही टेक्नीशियन में भी मांगा गया है, टेक्नीशियन या अप्रेंटिस इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा आपका और ITI आपके 2 साल की होनी चाहिए रिलेटेड टू दी फील्ड। इसमें टेक्नीशियन का भी ऐसा ही प्रोसेस है नीचे, और ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी है ग्रेजुएशन किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है कॉमर्स फील्ड से, जिसमें लाइक BCom हो गई आपकी डिग्री में। तो इसमें जो आपकी जो मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए आपके, 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और जो हमारे SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 मार्क्स होने चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसमें जो एज लिमिट है आपके दोस्तों, 18 से लेके 24 साल की आपकी एज मांगी गई है इस फॉर्म के अंदर। और जैसे हमने बताया था, अगर जो आपने ITI की है तो आपका 1 ईयर ऑफ द अप्रेंटिस कोर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम आगे चलते हैं, जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसको भी देख लेते हैं और सिलेबस को भी। तो ये आया सिलेक्शन ऑफ, कैसा होगा इसका सिलेक्शन ऑफ, इसका आपका 2 स्टेज में होगा, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और रिटन टेस्ट में आपके 85 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपके रिलेटेड टू द फील्ड होंगे, और सैलरी इंटरव्यू में आपके 15 मार्क्स, तो ये ओवरऑल आपका 100 100 उसका मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। दोस्तों, में आपके जो क्वेश्चन आएंगे 85 आपके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव मार्क्स से, और दोस्तों में एक अच्छी बात है आपके लिए, नो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 85 क्वेश्चन है, उसमें से आपके कौन कौन से फील्ड से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें 60 क्वेश्चन तो आपके आएंगे आपके डिप्लोमा से, जो भी आपने जिस फील्ड से आपने अप्रेंटिस या डिप्लोमा किया है, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड,
जनरल नॉलेज फॉर ट्रेड अप्रेंटिस, और अकाउंट में भी ऐसे ही आपके अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू द फील्ड अकाउंट कॉमर्स, और 25 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ऐसे ही तीनों फील्ड में अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, और ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको, 120 मिनट्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कैंडिडेट आप चूज कर सकते हैं, आप अपना पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं हम दोस्तों, इसमें और भी हमारे काम की चीजें हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक खास चीज आपके लिए ये है, रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा पहले। तो ये जो आपको साइट दी गई जिसमें ए और बी पॉइंट में दिए गए, इस साइट पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्म, उसके बाद यू आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, तो आप इस फॉर्म जो ये नोटिफिकेशन में दी है वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। और जो इसकी जो लास्ट डेट है 12/10/2018 को है, तो 6 बजे तक शाम के, तब तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कितने पार्ट में होगा दोस्तों, पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन होगा, पार्ट टू में आपका सभी चीज़ों को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही बताते हैं, हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।